तुम क्या हाल है किशोर? मेरा आज पहला मना बशीक तो पाकिस्तान। अच्छा जी, यस है। आप सुनाए। मैं कुत्ता ले लिया सारे लोग खरीद लिया पबजी में। ये बड़ा गंदा सा छोटा सा माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल है। कह रहे थे करीब से साथ पहुँच जाएँ तो ड्राइवर नीचे आ गया। मैं जहन फरूद हसन आ जा रहे देखो सोसाइटी ये जी हमारी। गुड बाय सोसाइटी। ये बच्चे खेल रहे हैं इधर काफ़ी फूल लगे हुए थे और देखो अभी भी लगे हैं थोड़े थोड़े से लेकिन वो ख़त्म हो गए। ये देखो तो और ये बशकी की मेरी फर्स्ट कार है जिसमें एसी चल रहा है। सीरियसली यार जलील हो जाते थे। इसलिए ना भाई, इसलिए ना। और ये बशकी के ब्यूटीफुल सीन। ये आ गया जी हमारा एयरपोर्ट। ब्यूटीफुल एयरपोर्ट ऑफ बशकेक। और ये रहा हमारा सामान और अब हम एंटर होने लगे हैं। अल्लाह का नाम लेके एंटर हो रहे हैं। मैं दोस्त को यहाँ पे चेकिंग हो गई हमारे सामान। ओके फिर बाद में हम जा रहे हैं अपनी बोर्डिंग के लिए। हम अंदर से हमारा सिर्फ हमारी ही लगते हैं। हमें भाई ये खड़े हैं हमें मिल गया जी। बोर्डिंग होगी जी। और हमारा जहाज ये रहा कितना ब्यूटीफुल सीन है। और ये तो उससे भी जहाज है। एक्चुअली आगे एक सीन आएगा जिसमें हसन अपने ना हाथ साफ कर रहा होगा, सुखा रहा होगा और मशीन नहीं चल रही थी। मैं
उससे मजाक कर रहा था कि यार ये सिर्फ इंसानों के लिए बनी है, जानवरों के लिए नहीं। नहीं चले अरे बंदे ने हथ नहीं चले तीन बार चलिया नहीं घबरा गया सी ना। ये देखो जी रात हो गई है लगभग 10 बजने लग गए पाकिस्तान इधर। बाबा जी सरकोट, बाबा जी दया दौड़ी, बाबी बशकी, बाबा जी पिंडिया पिंडी है पिंडी है पिंडी है सर तेरी चिड़ी है बाबी इस्लामाबाद डैडी गोपन कर ला आज लाइन लगी हुई है जी जी। ये हमें आज एक ये बर्गर शुक्र करें कि गर्म है। लास्ट टाइम पी आई ए में आया था वो माशाल्लाह ठंडे थे यार। रेवी वाले देते ही कुछ नहीं है, थोड़ी बात है 295 में मिल गया इतने कुछ। बिल्कुल बहुत कुछ दे दिया, मैं खुश हूँ। लाइट भाई में एक अच्छा खाना था और इस वक्त बस अरेंज में था या ये क्या था फजूल था यार ये लो। देखो देखिए मैं शुरू की जी और बताता हूँ तो जी हमारी चाय रेडी हो गई है और रास्ते में एक खूबसूरत शहर आया, पता नहीं ये कौन सा है लेकिन आया तो मैंने वीडियो थोड़ी सी रिकॉर्ड कर दी। जब हम पाकिस्तान में एंट्री हुए और इस्लामाबाद में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। हम शरीफ के और जहाज के तमाम अमले के जाने से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जी हमारा आज का सफर कंप्लीट हो गया। जय भाई किसान, जय भाई किसान। और पीछे वाले कह रहे हैं लाल है माल है मुझे खा जा इस्लामाबाद आपका सिटी आ गया। इस्लामाबाद आपका सिटी मिल जाएगी जगह यार। ये देखो आपका सिटी आ गया। क्या गया हमने आपसे चीज पराठे मांगा था और हम जा रहे हैं जी ऊपर अल्लाह का नाम लेके। हमने काफी जरा पाकिस्तान में बशकीक में सहूलत ली है लेकिन हम नहीं चढ़ेंगे। ये था मेरा पासपोर्ट वाला भाई और हम जा रहे हैं जी हम बोर्डिंग के लिए। पासपोर्ट जल्दी आए बिना पासपोर्ट के बाद है। ओके ओके
ये इस्लामाबाद का अनसोन का हिस्सा, और ये रहा जी हमारा पासपोर्ट। बहुत खुशी हो रही है मुझे क्योंकि घर वाले किसी को नहीं पता मैं आ रहा हूँ। बोर्डिंग के लिए मैं जा रहा हूँ, बोर्डिंग शॉर्डिंग सब कुछ खत्म हो गया, अब आ गए हम और अपना सामान कलेक्ट करने के लिए। देखते हैं जी, और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, बहुत पाकिस्तान की प्यारी लग रही है, ये देखें कितनी प्यारी है, ये कल्चर है पाकिस्तान का दिखाया हुआ, ब्यूटीफुल कल्चर। कुछ नाम हाथ इस्लाम पर फिर हम निकल जाएंगे फैजाबाद के लिए, गुड बाय कर जाएंगे। ओ जी, हमने थोड़ी सी अपनी टिकटॉक बना दी, मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब के ब्लॉग में भी ऐड कर दूँ। फिर मैंने एयरपोर्ट को लीव किया और पहली गाड़ी करवाई एयरपोर्ट से, वो अड्डा है रावलपिंडी में फैजाबाद, और हम फैजाबाद की तरफ जा रहे हैं। फैजाबाद के अड्डे में हमको बस तो नहीं मिली, लेकिन हमने अपनी एक प्राइवेट गाड़ी करवा ली जो जिससे हम इस्लामाबाद से फैसलाबाद की तरफ रवाना हो। सुबह के हम निकले हुए थे तो खाना भी नहीं हमने खाया, तो हमने सोचा कि इस्लामाबाद से लीव करते हुए पहले स्टेशन जो आएगा तो हम वहाँ से खाना खाएंगे। सर हम पहुँच गए जी कलर कार, और इधर बैठ के हमने अभी ही नाश्ता किया कि मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी, मोबाइल दे दिया था चार्जिंग करने के लिए, और हम अभी रखते हैं बस वॉशरूम जाने के, दो मिनट वॉशरूम के आप निकलने लगे। फरुख भाई, फरुख भाई हाँ सुनाए कहते हैं हालात आपके। और जी ये रास्ते में जाते हुए ब्यूटीफुल सीन्स, वीडियो तो बहुत लंबी थी लेकिन मैंने इसे थोड़ी सी कर दी, फॉरवर्ड कर दी है, लेकिन फिर भी ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत सीन्स हैं इधर के इस्लामाबाद के। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कितनी खूबसूरती से नवाजा हुआ है। सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए इस दरियाए झेलम पे, जो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था, लेकिन इसमें पानी तो नहीं था, लेकिन जहाँ जहाँ पे पानी था वहाँ पे इतनी खूबसूरती थी कि अल्फाजों से बयान नामुमकिन है मुझे लगता है। कब की होगी है लेकिन माशाल्लाह सूरज भी बहुत उस दिन अच्छा चढ़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी सूरज का कुछ दीदार करवाया जाए, लेकिन माशाल्लाह कितना सूरज है। 3 से 4 घंटे की मुसाफत के बाद हम फाइनली फैसलाबाद पहुंच गए, हमारा शहर फैसलाबाद। और फैसलाबाद पहुंचने के बाद हम अपना आगे गाँव का रूट तैयार करेंगे, लेकिन यहाँ पे फरुख भाई को उतारना था तो हमने यहाँ पे फरुख भाई को उतारा और दूसरी कार ली, और इसी तरह आगे हम शेखपुरा की तरफ रवाना हो गए। पर हमने 1 घंटे की मुसाफत करने के बाद हमारे गांव का अड्डा पे पहुंच गए जिसका नाम पनुआ है,
और हम अपने गांव की तरफ अब रवाना होने लगे हैं। दे जी ये हमारा गांव की तरफ सड़क मोड़ गई है और ये हमारा प्यारा सा खूबसूरत गांव को सड़क जा रही है। थोड़े सी मसाफत ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर 20 ज़्यादा होगा सफ़र, तकरीबन 1 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर सफ़र करने के बाद हम फाइनली अपने गांव पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। और रास्ते में अंकल से हम बातें करें। फाइनली हम अपने गांव पहुंच गए और ये सबसे पहले गांव में एंटर होते हुए हमारा कब्रिस्तान आता है जो कि माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, आबादी के हिसाब से जी काफ़ी बड़ा है। तो कब्रिस्तान ख़त्म होते ही माशाल्लाह हमारा प्यारा सा स्वीट सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा गाँव आ गया। लो जी अल्लाह पाक के करम से काफ़ी देर सफ़र करने के बाद हम अपने घर वाली गली में एंटर हो चुके हैं और हम इधर अपने ब्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।